सिल्वर का एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी लाइव मार्केट में देखोगे तो लगभग 1 लाख के आसपास अभी पहुंचने वाला है, और जो लास्ट वाले काफी वीडियो में मैंने सिल्वर का एनालिसिस किया, बिल्कुल वही टारगेट आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगेन बाइंग कितना देखने को मिल सकता है, जिसमें सेल की पोजीशन फंसी होगी वो क्या करके चलना चाहिए, और कोई फिजिकली सिल्वर बाय करना चाहते हो वो किस लेवल पे बाय कर सकते हो, और यहाँ पे विदाउट एक्सपायरी से आप ट्रेड लेना चाहते हो तो किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, और लाइफ टाइम जैसे आप फिजिकली गोल्ड सिल्वर बाय करते हो वैसे आप ऑनलाइन गोल्ड सिल्वर कैसे बाय कर सकते हो, सिर्फ 1500 रुपये में भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर टेक्निकल बेस, और रही बात टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस और इंट्राडे लेवल्स, ऑल कमोडिटीज, साथ में साथ जो भी अपडेट मिलता है वो चेंजेस आते हैं फंडामेंटली टेक्निकली, वो उसका भी एनालिसिस मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो 9797773219 इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। रही बात अभी 99,300 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 1 लाख का टारगेट आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो एनालिसिस मैंने काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया था बिल्कुल वही होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर, अगेन कहाँ तक जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो आने वाले दिनों में 1,10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, सिल्वर आने वाले दिनों में होल्ड करिए, 1,10,000 तक भी सिल्वर आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। रही बात ये टारगेट कब तक आएंगे, रही बात मई 2025 तक का मैं ये टारगेट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आएगी, गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी, लेकिन हाँ जिस तरीके से बुलिश लग रहा है तो ये टारगेट कोई बड़ी बात नहीं, इजीली टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। अभी बात करेंगे इस लेवल पे बाय करना चाहिए क्या, तो इसका अपडेट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है, मैंने ऑलरेडी 1000 पॉइंट का टारगेट सेम डे में दिया है, ऑलमोस्ट अचीव होते हुए भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अभी जो पिछले वाला जो यहाँ से हाई निकल कर आता 96,800 के आसपास, बिल्कुल उसको ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर ट्रेड किया, तो देख ध्यान में रखिए गोल्ड में जिस तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है उसके कंपेयर टू सिल्वर में कुछ भी बाइंग देखने को नहीं मिला, और बहुत सारी रैली अभी भी सिल्वर में बैलेंस है। अभी तो अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, अक्टूबर 2024, अभी पूरा नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 5 महीने तक पड़े हैं, तो ये बुल मार्केट आपको अगेन आने वाले 5 महीने तक भी देखने को मिलेगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से 89 के नीचे सिल्वर नहीं आएगा। इन द केस कोई भी यहां पे डिप आती है तो डिप के अंदर आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल स्ट्रेटजी मेरी जो रहेगी, हर 1,000 पॉइंट पे गिरावट पे आपको बाय करना है। हर वीडियो में मैं ये स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं, बहुत प्रॉफिटेबल भी है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी मुनाफा भी यहां पे बनाया है। आपके पास कैपिटल कम है, 1 लाख से कम कैपिटल के लिए माइक्रो में ट्रेड कर लीजिए, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कैपिटल है आप मिनी में ट्रेड कर लीजिए, और 10 लाख के ऊपर कैपिटल है तो मेगा में स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। हर 1,000 पॉइंट पे गिरावट पे आपको बाय करते जाना है। कब तक? अभी ये जो लेवल्स रहेगा 89 का लेवल्स रहेगा, 89 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है ये स्ट्रेटजी अप्लीकेबल रहेगी। अपसाइड में कहाँ तक अप्लीकेबल रहेगा? 1,10,000 तक के टारगेट के लिए यह स्ट्रेटजी अप्लीकेबल रहेगा। सबसे पहले आपके दूर के कॉन्ट्रैक्ट में आपको फार कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है, फिर लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है, फिर अगेन 1,000 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना है। सेम स्ट्रेटजी को कंटिन्यू आप ट्रेड ले सकते हो। रही बात अभी जिस तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन का वेट कर सकते हो, 1,000-2,000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है यहाँ से। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ से 94,000 का इसने ब्रेकआउट किया था उस लेवल पे करेक्शन आएगी, तो इस लेवल पे मान के चलो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स 1 लाख का बनता है। इस साइकोलॉजिकल लेवल्स पे जाने के बाद एक करेक्शन आती है, वो करेक्शन आपके लिए कम से कम 4,000-5,000 पॉइंट की करेक्शन आपको एक मिलेगी, वो करेक्शन आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इस लेवल पे सेल की पोजीशन बिल्कुल मत करिए। जिस तरीके से बाइंग देखने को मिल रहा है तो आने वाले दिनों में 1,10,000 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा। अभी रही बात मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, जो एनालिसिस करूंगा वो 100% सही रहेगा, या मेरा प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अभी काफ़ी लोगों का सेल की पोजीशन फंसे होंगे, उनको क्या करके चलना चाहिए, तो सेल पे जो ये कॉमोडिटी एमसेक्स में ट्रेड ले होंगे उनके लिए यहाँ पे एवरेज मत करिए, और फ्रेश सेल की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ऊपर गया तो मैं सेल करके बैठ जाता हूँ, गलत। ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेंड इज योर फ्रेंड गलत नहीं बोला है, कभी भी ध्यान में रखना ट्रेंड जिस तरीके का अप ट्रेंड है, और आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया
और करेक्शन आएगी और ऐसे में फंसोगे, आपका एम टू एम कैपिटल खा जाएगा। ध्यान में रखिए, जब सिल्वर बढ़ना चालू होता है तो बहुत तेज़ी से फाइंग आती है, गिरता भी है तो बहुत तेज़ी से गिरावट आती है, तो ऐसे में ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी इस लेवल पे आप इन द केस सेल के भी पोजीशन बनाना चाहते हो, रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो, तो 96 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक आप सेल मत करिए। मैं तो पर्सनली यहाँ पे सेल की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन हाँ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल का लगता है, एक रिस्क लेना चाहते हैं, तो 96 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता आपको बिल्कुल सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और ऑलरेडी आपके पास सेल की पोजिशन फंसी है और यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा लॉस हो रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में बाय की पोजीशन बना लीजिए। अभी डॉलर इंडेक्स में ट्रेड लेने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं पर्सनली 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, उसका नाम है ऑक्टा एफएक्स। ऑक्टा एफएक्स का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल आप वो उसका अकाउंट ओपन कर लीजिए, विद इन 5 मिनट्स के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या फ़ायदा है, इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जो माइक्रो ट्रेड करते हो उसके लिए जो 10,000 के आसपास कैपिटल लगती है वो सिर्फ यहाँ पे 500 रुपये में हो जाता है, बाकी कैपिटल आप एम टू एम पे कर सकते हो। और एक माइक्रो के साथ मिनी ट्रेड करना चाहते हो तो मिनी 5,000 रुपये में काम हो जाएगा और एक मेगा सिर्फ 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, तो आपके साथ जितना आप एम टू एम पे करते हो उतने में ही यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी आप उठा सकते हो, और वहाँ पे सेल साइड फंसे हो तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे बाय साइड पोजीशन बना सकते हो, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और विदाउट एक्सपायरी से लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, वहाँ पे आपकी सेल की पोजीशन निकल जाती है तो वहाँ पे आप बाय की भी एवरेजिंग करके अच्छा खासा मुनाफा आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है। और रही बात डॉलर का भी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ तो आप उसका फायदा जरूर लीजिए। अभी बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर, बिल्कुल आप यहाँ पे बाय की पोजीशन बना लीजिए। आने वाले दिनों में मैंने $35 का टारगेट दिया था, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 34.50 अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग देखोगे तो 30 से लेकर 31 के रेंज में जब ट्रेड कर रहा था तभी मैंने यहाँ पे $35 का टारगेट दिया था और वही टारगेट अभी आपको अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे सेल की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, $32 तक एक करेक्शन आ सकती है। जब भी करेक्शन आएगी तो $0.50 स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर आप बाय की पोजीशन बनाइए। आने वाले दिनों में अगेन अपसाइड के टारगेट $36 तक आपको टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पे सिल्वर के ऊपर बताने की कोशिश किया। अगेन आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स जरूर कर लीजिए ओपन, आपका मैसेज आप कर लीजिए, कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल आप बिन फिगर आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स ओपन है टेलीग्राम पे भी आप प्रोवाइड हूँ, मैं ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे अपना क्वेरी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।